अच्छे कर्मों से अच्छे पुण्य से प्राप्त होता। उस परम पिता परमात्मा ने आपको एक मौका दिया, बंदे कुछ कर्म कर ले अच्छे मोक्ष प्राप्त हो जाए, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म लेना दुखों का कारण। नरते दंभी किता आदमी, मेरे छोटे बेटे का क्या होगा यार, बड़ा बदमाश, सारा अडम ने अंडर में कर आदमी का मन मायम सच कर। तो 84 लाख योनि में से मानव जीवन अच्छे कर्मों से अच्छे पुण्य से प्राप्त होता। परम पिता परमात्मा ने एक मौका दिया, बंदे कुछ कर्म कर ले अच्छे मोक्ष प्राप्त हो जाए, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा। बचपन आया, जवानी यही, बुढ़ापा आया, समय के हिसाब से आदमी निकल लेता है। वो 84 लाख योनि इसीलिए बनी है, जो जैसे कर्म करता उसको वो योनि प्राप्त होगी। 4 लाइनें सुनना, सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा, अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा, अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यही रह जाएगा, तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा, मगर प्यारे दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। किसी की अर्थी जाती तो 4 हाथ दूर रहते, उसके परिवार के साथ में रहते, दूसरा नहीं जाएगा मुर्दे घर, फिर भी दूर रहने के बाद भी नहाते हैं। तो सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा, अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब यही रह जाएगा, तेरा खुद का पैदा किया हो तुझे जला के आएगा, मगर प्यारा दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता ही जाएगा, और कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर जाए ऐसे जो दुनिया में तेरा ये नाम रह जाएगा, वरना तो इस दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब छूट जाएगा। अरे अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, न किसी को लाया है न किसी को ले जाएगा। ये दुनिया का चक्र है प्यारे, या कोई नहीं बच पाएगा, जो जन्मा है वो निश्चित मिट जाएगा। ठीक, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अगर डरना है तो अपने पूरे कर्मों से डरिए, वो माफ नहीं करते, वो साफ कर देते हैं। और स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इसका फैसला भी आप करते, भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। अपनी वाणी, अपनी आंखों, अपनी बोल, अपने विचार से ही अपना इंसान भाग्य लिखता है। आए अगर कर्म तेरे अच्छे, ये किस्मत तेरी दासी है, तेरा मन है सच्चा, तो तेरे घर में मत रह, काशी कहीं नहीं जाना।